तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नौकरी के नाम पर लड़कियों के साथ मारपीट और यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बकरी में एक बिल्डिंग में कई लड़के और लड़कियां रहती थी जो फर्जी नेटवर्क काम कर रही थी, लेकिन इस नेटवर्क कंपनी को लेकर जो बड़े खुलासे हुए वे बेहद चुकाने वाले थे। इस फर्जी कंपनी में काम करने वाली लड़कियों को तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें खूब पीटा जाता था, साथ ही साथ यौन शोषण भी किया जाता था। वहीं इस मामले का खुलासा होते ही पुलिस जांच में जुट गई। अहियापुर के बकरी के जिस बिल्डिंग में टीवीआर संस्था से जुड़े लड़कियां और लड़के रहते थे, वहां आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि आसपास के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उस बिल्डिंग के सामने व आसपास मौजूद दुकानदारों से बातचीत में ये पता चला कि वहां पर साल भर पहले कुछ लड़कियां रहती थी, लेकिन इन दिनों लड़कियां नहीं रह रही हैं, फिलहाल सिर्फ लड़के रह रहे हैं, जिनसे पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची थी। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया है और अभी उसके द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, तो उस चीज को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की, अभी तक गिरफ्तारी, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है इसका जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गिरफ्तारी की। हम लोगों ने दो तीन बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे, उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिली हैं, उसको हम लोगों ने सबको सीज किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, उन्होंने हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है, लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोगों के द्वारा। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफर है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकते हो, भेजी जाए। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का, फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक, और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1,000 लोग वहाँ पे था, और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी का CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक में मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है, 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग, तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया, फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करने स्टार्ट करवाया लोग। मुझे जो जानकारी मिली है कि मुजफ्फरपुर में कोई संस्था है जो फेसबुक के माध्यम से युवतियों का को बुलाता था और उसके साथ गलत दुर्व्यवहार की सूचना और इस संबंध में मुकदमा भी दायर हुआ है। अभी तो निश्चित रूप से पुलिस इसको संज्ञान में लेकर के इसकी जांच कर रही है। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादनी का बयान ले लिया गया है, और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। ये हमेशा होता रहेगा, हमारे यहाँ ऐसे कोई कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं,
कभी कुछ बनते हैं, उनका काम ही यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना, उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। अरे फर्जी कंपनी कौन बनाता है? वही लोग जो राज्यसभा में जाता है, जो बिहार का मंत्री होता है, कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनका कोई सर जमीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार उसको मानती है, राज्यसभा में भेजती है, विधान परिषद में भेजती है, बिहार में मंत्री बनाती है। तो निश्चित रूप से वैसे ही लोगों पर शिकंजा जब कसेगा तो बताएगा कि हाँ कहाँ